गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ स्वीट डे। टुडे वी लर्न चैप्टर 5। जैसा कि अभी तक हमारा 5 चैप्टर तक हुआ है और दिसंबर एंड होने वाला है। आज के बाद दिसंबर एंड होने के बाद हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस से सिर्फ 2 महीने, जनवरी और फरवरी। 2 महीने में अभी हमारे पास करने को 10 चैप्टर्स हैं। अगर अपन इस तरीके से करेंगे तो शायद हमारा सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू COVID-19 के कारण ये सिचुएशन हुई है। सो मेरा छोटा सा सजेशन है आपके लिए कि अब बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो हम करेंगे परीक्षा अध्ययन से, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जाएंगे। उनसे आपके पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सिलेबस भी आपका जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग कर चुके थे, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, 3-डिजिट नंबर। हमें पता है 3-डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होकर 999 तक जाते हैं, लेकिन क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं। वी नो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इज। पहला नंबर क्या होगा 105, फिर 7 की डिफरेंस 112, 119। लास्ट होता है हमारा 3-डिजिट मैक्सिमम नंबर होता है 999। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 14, तो हमारा रिमाइंडर बचता है 5। अगर 999 में से हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो 7 से लास्ट ऐसा नंबर होगा तो 7 से डिविजिबल होगा। 990 में से 5 को माइनस करोगे तो ये बचेगा 994, यानी हमारा लास्ट नंबर क्या होगा 994। हियर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 112 − 105 = 7, एंड लास्ट टर्म क्या है 994। सो इसको हम करते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला। लास्ट टर्म का फॉर्मूला है nth टर्म का फॉर्मूला एक ही होता है, टर्म का फॉर्मूला होता है a + n − 1d। 994 = 105 + n − 1d = 7 लग दिया। ये 105 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा n − 1 = 7। इसको माइनस करोगे तो ये आएगा n − 1 = 7 = 889। 7 से डिवाइड किया 889 upon 7, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 14 = 127 - 1 = +। यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, 3-डिजिट नंबर कितने नंबर होंगे 120। इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी मल्टीपल 4 लाइ बिटवीन 10 and 250। ऐसे कितने नंबर हैं 10 से लेकर 250 तक, तो 4 से 10 तो है नहीं। वी नो दैट द मल्टीपल ऑफ 4 लाइ बिटवीन 10 to 250। 10 नहीं है क्या 11 है? 11 भी नहीं है, कितने से स्टार्ट होगा 12, फिर 16, फिर 20, लास्ट नंबर 250 10 से डिविजिबल है क्या? नहीं। तो हम 4 का इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 2 को माइनस करेंगे तो लास्ट नंबर हमारा क्या होगा 250, जो 4 का मल्टीपल होगा। एक ही वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस क्या है जिसका मल्टीपल पूछ रहा है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, और लास्ट टर्म क्या है 248। ना हम लास्ट टर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया n = a + n − 1d, n की जगह रखा 248, a कितना है 12 + n − 1d = 4।
12 के साइड आएगा बेटा सेम का क्या आएगा माइनस का इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इनटू 4 ये कितना बचेगा 236 10 माइनस 1 इनटू 4 10 माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4 4 5 का 24 9 का 36 ये कितना हो गया 59 का माइनस का मतलब क्या आएगा तो ये काल का आएगा प्लस का यानी ऐसे कितने टर्म हैं 10 के 250 60 टर्म होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है इसका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म टू एबीस उसने दो एबीस दे रखे हैं जिनका nth टर्म क्या दिया है इक्वल क्वेश्चन नंबर 11 गिवन एबीस क्या एबीस दे रखी है उसने फर्स्ट एपी दे रखी है फर्स्ट एपी क्या है 2 63, 65, 66 ठीक है सेकंड ने भी क्या दे रखी है सेकंड ने भी उसने दी है 3, 10, 7 हेयर 4 एम फर्स्ट टर्म के लिए एपीस के लिए ये क्या होगा 63 ये क्या होगा 65 - 63 = 2 4 सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 कॉमन डिफरेंस क्या होगा 10 - 3 = 7 ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एपी के एंथ टर्म कैसे हैं इक्वल है एंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 a + n - 1 फर्स्ट एपी के लिए ए क्या है 63 + n - 1 क्या होगी 2 इसके लिए फर्स्ट टर्म है 3 n - 1 क्या होगी 7 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2n - 2 3 7 का मल्टीप्लाई किया 7n - 7 ये बचेगा 61 + 2n ये बचेगा 7n - 4 nth टर्म एक तरफ और विदाउट n टर्म एक तरफ 2n उधर जाएगा तो माइनस का और 4 इधर आएगा तो प्लस का ये हो गया 65 = 5 में n की वैल्यू क्या होगी 65 = 5 यानी कि दोनों एपीस का जो 30 का होगा वो कैसा होगा सेम होगा या इक्वल होगा इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 16 और सेवन टर्म एफ इज द फिफ्थ टर्म बाय 12 थर्ड टर्म कितना दिया है गिवन एपी या गिवन है थर्ड टर्म को हम बोलते हैं ए थ्री कितना दिया है 16 ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस टू इक्वल टू 16 फर्स्ट एंड आगे वो बोल रहा है कि जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 जा रहा है यानी कि जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 जा रहा है अब सेवन और फिफ्थ में से सबसे बड़ा टर्म कौन सा है बेटा सेवन टर्म तो जो एक्सटीट करेंगे वो हम करेंगे फिफ्थ टर्म को क्योंकि सेवन टर्म तो पहले से बड़ा है तो हम किसको ज्यादा करेंगे फिफ्थ टर्म ए से को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 60 इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस 40 प्लस 12 ए से ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम वैल्यू सेम साइन के साथ होती है तो कैंसिल क्योंकि ये इधर आता तो काला हो जाता माइनस का फिर काट दे तो एक स्टेप बचाने के लिए हमने इनको एक बार ब्रेक कर दिया 40 इधर आएगा तो माइनस
इसका ये बचेगा टू डी इक्वल टू क्वाल डी इक्वल टू डी की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है a प्लस टू बी इक्वल टू सिक्सटीन ए प्लस टू इंटू सिक्स इक्वल टू सिक्सटीन ए प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सिक्सटीन ट्वेल्व जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ए कितना हो गया फोर था लेकिन हमें इसमें फाइंड क्या अलग करना था ए पी ना ए पी क्या होगी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है फोर कॉमन डिफरेंस सिक्स है तो ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म निकाल देते जाएंगे दूसरा टर्म है सिक्सटीन ट्वेंटी फोर इस तरीके से हम अपनी ए पी को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस किए हैं, आप इनको एक बार करके देखिएगा। किसी तरह का अगर आपको डाउट आता है तो आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपने स्कूल ग्रुप पे कर सकते हैं, बाय फोन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ स्वीट डे।